वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और चलिए, कई सारे बच्चों को कमेंट आई थी कि जो नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड की वैकेंसी आई थी और उसमें जो ऑपरेटर की वैकेंसी, ठीक है, जो हैवी मोटर व्हीकल के जो ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। देखिए, इसमें एक तो ये ऑपरेटर की वैकेंसी थी, इसके अलावा कई अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। तो उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें 12th पास वगैरह के बच्चे उसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ा होगा, तीसरे या चौथे नंबर पर शुरुआत से अगर आप देखेंगे लेटेस्ट वीडियो में तो मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें सिर्फ बात करेंगे ऑपरेटर के लिए। देखिए, ऑपरेटर की इसमें कई तरह की वैकेंसी। सबसे पहले जरूरी बात बता दूं कि ये जो है ना रेगुलर भर्ती है, मतलब जिसे कहते हो ना परमानेंट नौकरी, परमानेंट वाली है, ठीक है। और ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, तो आपको एक ठीक ठाक सैलरी देगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कि आपको 40-45 हज़ार रुपये महीने देने लगी, ऐसी नहीं, लेकिन एक परमानेंट नौकरी और एक थोड़ी ठीक ठाक तनख्वाह आपको देगी, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला, दुनियादारी, सारी चीज़ें। तो सबसे ये बात जरूरी आप ध्यान रखिएगा, रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, मतलब कि परमानेंट नौकरी आपकी होने वाली है। अब ये जो है ना हैवी व्हीकल ऑपरेटर के लिए है, तो सबसे पहले कौन सी पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ड्रैगलाइन ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर। अब ये अगर आपको ना पता हो कि ड्रैगलाइन ऑपरेटर क्या होते हैं, डोजर ऑपरेटर क्या होते हैं, ग्रेडर ऑपरेटर क्या होते हैं, डंपर ऑपरेटर क्या होते हैं, सोवेल ऑपरेटर क्या होता है, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर रिसर्च कर सकते हैं। तो डंपर ऑपरेटर हो गई, सोवेल ऑपरेटर हो गई, पेलोड ऑपरेटर हो गई, क्रेन ऑपरेटर हो गई, ड्रिल ऑपरेटर। देखो, कुछ तो आप जानते हो, जैसे क्रेन ऑपरेटर जो क्रेन चलाते हैं, ड्रिल ऑपरेटर जो ड्रिल वाली मशीन चलाते हैं, डंपर ऑपरेटर जो डंपर को चलाते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो इतने तरह की ये वैकेंसी होने वाली है। अब देखिए, जो आपका एग्जाम होगा और जो आपकी नौकरी रहेगी, दोनों चीज़ें कहाँ होंगी, वो होगी मध्य प्रदेश में और जो है ना सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दो जगहें हैं। एक तो है सिंगरौली, ठीक, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और दूसरा है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सोनभद्र अभी रिसेंट में बहुत फेमस हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सोने के खजाने मिल गए लोगों को, तो ये बात हो गई। और आगे देख लेते हैं, अब देखिए इसमें थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो ड्रैगलाइन ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें क्या कक्षा 10 पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या फिटर ट्रेड में, किसी से भी एक में, विथ आपका जो है ना ट्रेड सर्टिफिकेट एक आपका होना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से ट्रेड सर्टिफिकेट आपको मिला होना चाहिए, मतलब आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तो ये चीज़ जरूरी थी। और आपका HMV का लाइसेंस होना चाहिए भारत के किसी भी RTO से, किसी भी राज्य के किसी भी RTO से, टोटल वैकेंसी 9 है, ठीक है। डोजर ऑपरेटर के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए, HMV का लाइसेंस होना चाहिए, अलॉन्ग विद इंडोर्समेंट फॉर ट्रैक्टर ड्राइविंग, तो ये दो चीज़ें चाहिए, एक तो कक्षा 10 पास, HMV का लाइसेंस और ये इंडोर्समेंट फॉर ट्रैक्टर ड्राइविंग के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, डोजर ऑपरेटर और ग्रेड ऑपरेटर के लिए, ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 48 वैकेंसी इसके लिए है और ग्रेडर के लिए 11 वैकेंसी है। अब देखो, अब है डंपर ऑपरेटर, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी है, इसमें क्या कक्षा 10 पास होना चाहिए और आपके पास HMV का लाइसेंस होना चाहिए भारत के किसी भी RTO से। तो जो डंपर ऑपरेटर के लिए 167 वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसके लिए, सोवेल ऑपरेटर के लिए 28 हैं, पेलोड ऑपरेटर के लिए 6 हैं, क्रेन ऑपरेटर के लिए 21 वैकेंसी है और ड्रिल ऑपरेटर के लिए आपकी यहाँ से टोटल 17 वैकेंसी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने इसके बारे में देख लिया। तो ये जो चार चीज़ें हैं इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही वाली रहेगी। अब जो ड्रिल ऑपरेटर, इसके लिए सिर्फ अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, इसमें किसी चीज़ की ना ITI की ज़रूरत है, ना आपके HMV व्हीकल लाइसेंस की ज़रूरत है, बाकी हर किसी पोस्ट में आपके HMV का लाइसेंस चाहिए जो कि RTO देता है। लेकिन ड्रिल ऑपरेटर के केस में आपको सिर्फ कक्षा 10 पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, टोटल 17 वैकेंसी है। तो बाकी वैकेंसी तो कई सारे जो ITI के बच्चे थे और जिनके पास HMV का लाइसेंस था वो बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन इसमें सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए, जो लाइसेंस की डेट है वो कब होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस डेट के पहले पहले का होना चाहिए। वैकेंसी कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, अनरिजर्व के कितनी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, SC, ST, OBC, ठीक है, और ये ESM का मतलब भूतपूर्व फौजी, तो इनके लिए भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। वैसे वैकेंसियों के बारे में आपको बताऊँ, ये PDF आपको नीचे दे दूँगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से भी जाके देख लेना। अब देखिए, 30 मार्च 2020 जो कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है,
इसके पहले पहले का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, या जो भी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 30 मार्च के पहले पहले की होनी चाहिए। तो यही इसकी क्रूशियल डेट है, इसी डेट से फॉर्म की अंतिम तिथि है और इसी डेट के पहले पहले के सारे सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, और आपका जो कक्षा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसमें कम से कम 55% नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते, जनरल के लिए 55, ओबीसी के लिए 50 और SC ST के लिए 45% नंबर हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो कक्षा 10 में, ठीक है। और आगे देखते हैं, ड्रैग लाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए आपकी सैलरी कितनी है। मूल वेतन जो आपका है 1034 फॉर फर्स्ट ईयर एंड मिनिमम कैटेगरी 3 बेसिक पे आपकी रहेगी 1065 पर डे के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, आपकी 1000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से आपको शुरुआत में मिलने वाला है। तो आप जोड़ लीजिए कितना होता है 1000 रुपये प्रतिदिन, तो जो है ना एक महीने का हो गया करीब 30000 रुपये। तो आपकी सैलरी यहाँ से ठीक ठाक सैलरी आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। और अगर आप ओवर टाइम वगैरह करते हो तो ओवर टाइम के वो चार्जेस आपको इसके दुगने चार्जेस के हिसाब से आपको अलग से दिए जाते हैं। डोजर ग्रेडर डंपर इन सब के लिए आपकी है 1011 रुपये पर डे के हिसाब से प्रतिदिन, तो वही करीब 30000 रुपये प्रति महीने की शुरुआत से आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। ड्रिल ऑपरेटर सेम है वही 1011 रुपये प्रतिदिन। तो आप ये जो है ना अपना वेतन समझ गए होंगे कितना है। अब देखिए, जो आपकी ड्रैग लाइन ऑपरेटर, इसकी 3 साल की ट्रेनिंग है, सबकी 3 साल की ट्रेनिंग है। इन सब की भी जो है ना, डोजर ऑपरेटर ग्रेडर इन सब की भी 3 साल की ट्रेनिंग है और ड्रिल ऑपरेटर की भी 3 साल की ट्रेनिंग है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जो है ना सारी चीज़ें जो है ना जो कंपनी देती है वो सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाएंगी, जैसे कि DA, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, ठीक है, HRA, कहीं आने जाने का खर्चा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भी कंपनी मुहैया कराएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो आप ये देखिए, रिजर्वेशन सबको मिलेगा जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर शायद नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो फिजिकली हैंडीकैप्ड को यहाँ पर नहीं रखा गया है, उसके लिए यहाँ पर कोई सीटें भी रिजर्व नहीं की गई। SC है, ST है, OBC है, भूतपूर्व फौजी है और इकोनॉमी वीकर सेक्शन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर कोई सीटों का जुगाड़ नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं उम्र सीमा की गणना। उम्र सीमा आपकी जो है गणना की जाएगी 30 मार्च 2020, क्योंकि ये क्रूशियल डेट है, आपके सारे सर्टिफिकेट इस डेट के पहले के होने चाहिए। तो अपीयरिंग बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि अगर आपका रिजल्ट 30 मार्च के पहले आ जाए तो आप फॉर्म भर देना, ना आए तो आप नहीं भर सकते हो। उम्र सीमा 18 से 30 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। अगर आप SC ST हो तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC हो तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, भूतपूर्व फौजी हो तो आपको अलग से छूट दी जाएगी। तो ये बात यहाँ हो गई। और आगे देख लेते हैं, फॉर्म भरने के पैसे कितने हैं। अनरिजर्व्ड OBC और इकोनॉमी वीकर सेक्शन वालों को 500 रुपये फॉर्म फीस है, और SC ST भूतपूर्व फौजी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो इसमें पहले से ही काम कर रहे हैं उनके लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ से नहीं ली जा रही है। जब अपना ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहीं से अपनी फीस भी कटवा सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ईच ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सीधा है, एक रिटर्न एग्जाम आपका होगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी आप यहाँ से देख सकते हैं। एक जिसे CWT जिसे आप कहते हो, ठीक है, ये होगा 100 नंबर का होगा, 90 मिनट की टाइमिंग मिलेगी आपको, ठीक है। ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया आपने तो आपका एक अलग से टेस्ट 50 नंबर का 60 मिनट का और होगा, जिसे आप ATT कहते हो। उसमें क्या पूछा जाएगा, ITI लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपने ITI में पढ़ा था वो पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो अलग से जो टेस्ट हो रहा है 50 नंबर का, ये सिर्फ ड्रैग लाइन ऑपरेटर का ही होगा, बाकी सब ऑपरेटर का सिर्फ एक टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब देखिए, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ CWT मतलब कि 100 नंबरों के आधार पर बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हमने यहां से देख लिया। और इसका डिटेल सिलेबस सरकारी सिलेबस.com पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। देखिए, जो बाकी पोस्ट हैं उन सबका मैक्सिमम नंबर 100 है, और आप यहां से देख सकते हैं इतने नंबर आपको कम से कम जो है ना लेके आने हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। ये ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए है, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी की इधर 40 थे और ये रिजर्व कैटेगरी 60 है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक आपका 150 हो गया, क्योंकि आपके एक अलग से टेस्ट हो गया 50 नंबर का, ATT जिसे कहा हमने, ठीक है। और कॉमन पेपर तो 100 नंबर का आप सबको देना ही देना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, हमने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है।
और अगर कुछ बचता है तो वो भी हम यहाँ से आपको कवर करके बता देते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं, फॉर्म कैसे भरोगे? आपको वेबसाइट पर जाना, सीधे सीधे www.nclcil.in पर जाना, फिर उसके बाद कैरियर पर जाना, रिक्रूटमेंट पर जाना, नोटिफिकेशन पर जाना है, और बस वहाँ पर जो है ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट लिखा होगा, उस पर ऑपरेटर ट्रेनिंग क्लिक करना और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। देखिए सीधे सीधे अप्लाई ऑनलाइन करने के प्रोसेस हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, फिर फीस कटवानी है, फिर अप्लाई कर देना, बाकी डिटेल्स भर दिए, बाद में सबमिट कर देना है। इस तरह अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दोगे। हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे क्योंकि ये बड़ी साधारण सी चीज़, आजकल हर फॉर्म जो है ना सब ऑनलाइन ही भरा जाता है, तो आप सब लोग होशियार हैं, कम से कम इतना तो कर ही लेंगे। आपके फॉर्म 16 मार्च से शुरू हो जाएंगे, 30 मार्च तक चलेंगे। अब देखिए इसके रिटन टेस्ट की और इसकी रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। कितने 6 महीने 4 महीने कितना टाइम लेते हैं इसके बारे में मैं भी आपको नहीं कह सकता कि कितना टाइम ये लोग लेंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इनसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ये फ़ोन नंबर इन्होंने दे रखा और ये ईमेल आईडी दे रखी है, आप इनसे पूछ सकते हो। और टाइम टू टाइम अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है ना इसकी जानकारी रहनी चाहिए, समय समय पर जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक करते रहिए कि कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, क्या ज़रूरी बात इन्होंने अपनी जो भी चीज़ बताएंगे सब अपनी वेबसाइट पर बताएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हो, ये फ़ोन नंबर 9 बजे से 5 बजे के बीच में, सोमवार से लगाकर शुक्रवार के बीच में आप फ़ोन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सब चीज़ें बता दी और काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करना अति आवश्यक है ताकि जो ना जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये बात पहुँच सकें और वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और लाइक कीजिए ताकि मेरा खुद का प्रोत्साहन बढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहूँगा, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।